म टू अवर क्लासेस टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टिशू दैट इज द एनिमल टिश्यू मेनली दैट इज द एनिमल टिश्यू सो वॉट इज टिश्यू टिश्यू क्या है टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है ठीक है यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल अलॉन्ग विद द इंटर सेलोलर सबस्टांसिस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन टिशू जो है वो एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल एक जैसे सेल्स के ग्रुप का uh, एक जैसे सेल्स का ग्रुप है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा सो नेक्स्ट हम लेते हैं कि एनिमल टिश्यू जो है वो क्या होता है एनिमल टिश्यू जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे आर फोर टाइप्स एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द न्यूरल टिश्यू। सो फर्स्टली लेट स्टार्ट विद द एपिथेलियल टिश्यू वाट इज एपीथीलियल टिश्यू एपिथीलियल टिश्यू इज द टिश्यू दैट हैज अ फ्री सरफेस एंड विच फेस आइर अ बॉडी फ्लूड एंड और आउटसाइड एनवायरमेंट एंड थ्रू प्रोवाइड एंड दस प्रोवाइड कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी मीन्स ये एक ऐसा फ्री टिश्यू है जो कि फेस करता है आइदर बॉडी फ्लूड को जहाँ तो ये बॉडी फ्लूड के साथ टच करेगा या तो ये इन्वामेंट के साथ टच करेगा तो इन्वायरमेंट के साथ कैसे टच करेगा जैसे कि हमारा स्किन हो गया स्किन जो है वो आउटर इन्वायरमेंट के साथ जो है वो कनेक्ट कर रहा है तो इसीलिए एपिथिलियल टिश्यू हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे जो कि हमारे बॉडी फ्लूड के साथ कनेक्ट कर रहा है जहाँ फिर हमारे आउटर इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे जो है इसके सेल्स जो होंगे वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे विद द लिटल विथ लिटिल इंटर सेलुलर मैट्रिक्स ठीक है इसके जो सेल्स होंगे वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे हम बात करेंगे एपिथिलियल टिश्यू की तो ये कॉम्पैक्टली पैक्ड क्यों होगा क्योंकि ये किसी भी पार्ट को लाइन कर रहा है मीन्स ये कवर कर रहा है हमारी बॉडी के पार्ट्स को अगर ये कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं होंगे तो इसकी स्किन लाइनिंग जो होगी वो लूज होगी तो हमारे बॉडी के अगर ये कवर कर रहे हो तो स्ट्रक्चर कैसे दे पाएगा तो इसीलिए हम याद रखने के लिए यहाँ पे एक लॉजिक लगा सकते हैं

तीन चीजों को हम याद रखेंगे बॉडी कैविटी डक्ट एंड ट्यूब्स सो एंड द कंपाउंड एपीथीलियम सेकेंड जो है वो कंपाउंड एपिथीलियम है वहाँ पे क्या होगा टू और मोर सेल लेयर्स होंगे और यहाँ पे क्या है सेल्स की दो या दो से ज्यादा लेयर्स होंगी और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन जो है वो यहाँ पे प्ले करेगा मीन्स कंपाउंड एपिथीलियम जो है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा जहाँ जहाँ भी प्रेजेंट होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल्स द एपिथेलियस सिंपल एपिथीलियम

कॉलम बने होंगे यहाँ पे दिख रहा है ना हमें ये कॉलम बन रहा है ठीक है और कॉलमनर में क्या होगा जो न्यूक्लियाई होगा वो बेस पे रहेगा यहाँ पे ये यह, यहाँ पे बेस पे रहेगा ठीक है तो हमने अभी तक इसको डिस्कस किया है यहाँ तक ठीक है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहेगा ये क्यूब क्यूब बने हुए हैं सेल्स के सो so, देखते हैं कि स्क्वेमस एपिथीलियम जो है वो उसको पढ़ते हैं क्या है वो स्क्मस एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ अपॉर सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटर्न सेल्स विद द इरेगुलर बाउंड्री और ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा हमारे ब्लड वेसल्स की बॉल्स पे और एयर सेक्स जो है वो लंग जो लंग्स के हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और इसका फंक्शन क्या रहेगा डिफ्यूजन करना डिफ्यूजन मीन्स द मोमेंट ऑफ द पार्टिकल्स मोमेंट ऑफ द सबस्टांस फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन सो सेकेंड वन जो है हमारा क्यूबॉइडल एपिथीलियम क्यूबॉइडल एपीथीलियम जो है वो सेल्स हमने अभी डायग्राम डायग्राम में देखे कि उसके सेल्स जो होंगे वो क्यूब लाइक सेल्स होंगे सो so, ये वाला जो एपिथीलियम है ये हमारे ग्लैंड्स जो हैं डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स है, है वहाँ पे प्रेजेंट होगा और ट्यूबुलर पार्ट्स जो है नेफ्रॉन का नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारा किडनी का वहाँ पे प्रेजेंट होगे और इसका फंक्शन क्या रहेगा तो अगर हम देखेंगे किडनी का क्या फंक्शन रहता? तो रहता है तो किडनी का फंक्शन रहता है सिक्रीशन किडनी का फंक्शन रहता है सेक्रीशन एंड द एब्जॉपन तो इस भी इस वाले टिश्यू का भी फंक्शन वही रहेगा सो नेक्स्ट वन इज द कॉलमनर एपीथीलियम कॉलमनर एपिथीलियम जो है वो भी सिंगल लेअर्ड ऑफ टॉल सेल्स मीन्स कॉलम्स बने हुए हैं ठीक है रेक्टेंगुलर सेल्स लाइक मतलब सिलेंडर की शेप में तो दीज न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस और इनके न्यूक्लियाई जो होंगे वो बेस पे प्रेजेंट होंगे और जो फ्री स्पेस रहेगी इस टिश्यू में वहाँ पर माइक्रोवेलाई भी प्रेजेंट रहेंगे उसके बाद ये वाला टिश्यू जो है वो कहाँ पर होगा फाउंड कहाँ पर किया जाएगा स्टमक की लाइनिंग पे एंड इंटस्टाइन की लाइनिंग पे और इसका भी सेम फंक्शन रहेगा सेक्रीशन एंड एब्जॉर्बशन सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलिएटेड सिलिएटेड एपिथेलियम एपिथेलियम जो है वो क्या कौन सा टिश्यू होता है जब कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे फ्री स्पेस में तो उसको हम बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम तो हमें सीलिया के फंक्शन को पहले जानना होगा तभी हमें इस टिश्यू के फंक्शन का पता चलेगा तो सीलिया क्या करता है सीलिया का फंक्शन होता है टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अवर बॉडी मीनस एक मूवमेंट कराना किसी भी पार्टिकल्स की तो सिलियेटेड एपिथीलियम का भी वही फंक्शन रहेगा टू मूव पार्टिकल्स और द म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथीलियम तो ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ब्रोंक्योलस एंड द फैलोपियन ट्यूब्स नेक्स्ट हम देखेंगे ग्लैंडुलर एपीथीलियम ग्लैंडुलर एपिथीलियम जो होगा क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स जब एक स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड फंक्शन करेंगे किसके लिए सेक्रेशन के लिए तो उसको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथीलियम और ग्लैंडुलर एपीथीलियम जो है वो टू टाइप्स का रहेगा यूनिसैलुलर एंड द मल्टी सेलुलर मल्टी यूनिसेलुलर जो है वो कहाँ होगा ग्लैंडुलर सेल्स में मतलब गॉबलेट सेल्स जो है हमारे एलिमेंट्री केनाल के जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो सेलुलर जो है वो कहाँ रहेगा सेलिवरी ग्लैंड में ठीक है वहाँ पे क्लस्टर ऑफ़ सेल्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लैंडुलर एपिथीलियम जो है वो उसका जो मोड ऑफ सिक्रीशन है कि वो किस तरह से सिक्रीट कर रहा है ठीक है उसके बेसिस पे हम देखें तो ग्लैंड्स जो है वो दो टाइप्स के हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन हमने एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों ही पहले से डिस्कस किए हुए हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं जो डिफ्रेंशिएट अगर कर रहे हैं तो वो ग्लैंडुलर एपिथीलियम की वजह से कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो क्या होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस को सलाइवा जब किसी भी चीज़ को सेक्रेट करेंगे तो वो डक्ट के थ्रू करेंगे डक्ट मतलब एक ट्यूब के थ्रू रिलीज करेंगे अपनी सेक्रेशंस को लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो अपनी सेक्रेशंस को डक्ट के थ्रू जो है वो सेक्रेट नहीं करते वो डायरेक्टली जो है वो फ्लूड के थ्रू करते हैं और हमारी बॉडी में फ्लूड क्या है ब्लड तो जो हमारे ब्लड के थ्रू कोई भी सेक्रीशंस जो है वो फ्लो कर रही है तो उसको कौन करा रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो क्या करते हैं हमारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं ठीक है तो सेकंड जो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया सिंपल एपिथीलियम, तो सेकंड वन होता है हमारा कंपाउंड एपिथीलियम, ठीक है कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो कंपाउंड एपिथेलियम जो है वो एक लेयर का नहीं बना होता कंपाउंड एपिथेलियम मोर देन टू लेयर्स का बना होगा ठीक है और उसका फंक्शन भी एक लिमिटेड रोल से क्रिएशन और एब्जॉर्प्शन में उसका इतना ज़्यादा रोल नहीं रहेगा उसका मेन फंक्शन रहेगा प्रोटेक्शन कोई भी केमिकल्स कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में अगर एंटर हो रहे हैं तो वो उसको कंट्रोल कौन करता है कंपाउंड एपिथेलियम और यहाँ पे हमारी एक मेन एग्जांपल आएगी जिसको हम बोलते हैं स्किन स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में जो है वो हेयर्स होंगे तो जो है बड़े सारे मिनरल्स जो हैं टॉक्सिन्स जो, जो हैं वो स्वेट के थ्रू हमारी स्किन जो है वो उसको स्क्रीट कर देती है ठीक है तो यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं हम कि ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहेगा ये जो है वो बक्कल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट रहेगा फैरिंग्स के ऊपर रहेगा इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड एंड ऑफ द पैनक्रियाटिक डक्ट्स ठीक है उसके बाद जो है ऑल सेल्स इन द एपीथीलियम और हेल्ड टूगैदर एपिथीलियम के बीच में जो है वो सेल्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं तो उन सेल्स को जुड़े रहने के लिए यहाँ पर कुछ जंक्शंस बनाए जाते हैं और वो जो जंक्शंस हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है तो फर्स्ट जो है वो है टाइट जंक्शंस टाइट जंक्शंस जहाँ भी होंगे उनका क्या फंक्शन रहेगा टू टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिशू कि वो टिशू के अक्रॉस सब्सटेंस कोई भी लीक ना करे मीन्स या तो वो बाहर ना जाए या कोई सब्सटेंस अंदर ना आए नेक्स्ट वन इज द एडहरिंग जंक्शन एडहरिंग जंक्शन का मतलब होता है एडहर मीन्स किसी चीज को जोड़ के रखना तो यहाँ भी क्या होता है कि इसका फंक्शन रहता है टू परफॉर्म अ सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स गैदर मतलब सारे सेल्स को जोड़ के रखेगा ये वाला जंक्शन सो नेक्स्ट वन इज़ द गैप जंक्शन गैप जंक्शन फैसिलिटेट्स द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर वाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाजम ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ द आइंस स्मॉल मोलिक्यूल्स एंड द समटाइम्स बिग मोलिक्यूल्स जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की मीन ट्रांसफर जो है वो एक सेल से लेके दूसरे सेल में पार्टिकल्स कैसे मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे गैप जंक्शंस बने होते हैं जिनके थ्रू आइंस जो हैं कोई भी एलिमेंट्स जो हैं वो मूव करेंगे फ्रॉम वन सेल टू द अनदर सेल सो हम लेते हैं अभी सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मोस्ट एवंडेंट सबसे ज़्यादा एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कम्प्लेक्स एनिमल और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा जो एनिमल की बॉडी है और दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज़ और आर्गन ऑफ द बॉडी इनका नाम कनेक्टिव टिश्यू क्यों पड़ा क्योंकि ये हमारी बॉडी के अदर टिश्यूज़ को कनेक्ट करके लिंक करके सपोर्ट करके रखते हैं दे रेंज फ्रॉम द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू द स्पेशाइज टाइप एंड विच इंक्लूड इसके अंदर कौन कौन से टिश्यू रहेंगे कार्टिलेज बोन एडिपोज टिश्यू एंड द ब्लड टिश्यू तो यहां पे जो है वो डिस्कस एक डायग्राम के थ्रू भी लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो टू टाइप्स के दिखाए गए हैं एरियोलर टिश्यू एंड द एडिपोज टिश्यू इनको हम आगे जाके पढ़ते हैं इन ऑल द कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द ब्लड दे सिक्रेट फाइबर्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल द कॉलेजन एंड द इलेस्टिन जो कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हमने चार टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पढ़े यहाँ पे इसमें से जो ब्लड के अलावा तीनों जो हैं वो क्या करते हैं फाइबर्स क्रिएट करेंगे प्रोटीन्स के फाइबर्स क्रिएट करेंगे जिसको हम बोलते हैं कोलेजन ये हमें याद रखना है द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी एंड फ्लैक्सीबिलिटी टू द टिशू फाइबर्स का फंक्शन क्या होता है किसी भी टिश्यू को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना एंड द फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना और इनका दीज सेल्स ऑल्सो स्क्रीड द मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स ये जो है वो एक पॉलीसेक्राइड्स भी सिक्रीट करेंगे विच एकामोलेट बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स एंड एक्ट एज मैट्रिक्स मैट्रिक्स मीन्स ग्राउंड सब्सटांस कहाँ पे जो है वो सेल्स मूव कर रहे हैं ठीक है तो वहाँ पे जो है ये सेल्स फाइबर्स सेल्स जो हैं ये वहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो स्क्रीट करेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो मेनली यहाँ पे थी थ्री टाइप्स के होंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड द स्पेसलाइज कनेक्टिव टिश्यू पहले हम लेते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू ठीक है लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सेल्स होंगे और जो फाइबर्स होंगे वो लूजली अरेंज होंगे ठीक है सेमी फ्लूड ग्राउंड सब्सटांसिस में और इनके एग्जाम्पल्स हैं एरियोलर टिशू और एडिपोज टिशू एरियोलर टिश्यू जो है वो बिनीथ द स्किन प्रेजेंट होगा और ये एपिथीलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इस इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं द सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड स्क्रीट फाइबर्स जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है फाइब्रोब्लास्ट मीन्स वो वाले सेल्स जो फाइबर को प्रोड्यूस और स्क्रीट कर रहे हैं तो जो हमारे एरियोलर टिश्यू होते हैं यहाँ पे जो है वो फाइब्रोब्लास्ट होता है मैक्रोफेजेस होते हैं और मास्ट सेल्स होते हैं नेक्स्ट आ गया एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड टाइप एडिपोज टिश्यू जो है ये भी लूज कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन ये ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन एंड द स्पेशलाइज टू स्टोर फैट्स और एडिपोज टिश्यू का मेन काम होता है फैट्स को स्टोर करना एंड हमारी बॉडी में क्या होता है जब हम कोई एक्सेस न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है हमारे फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स विटामिन एंड मिनरल्स जब हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा फैट्स जो है वो एकमुलेट कर लेती है तो वो क्या करती है अगर हमारी बॉडी ज़्यादा फैट्स यूज़ नहीं कर रही है और हमने ज़्यादा फैट्स ले लिए हैं तो वहाँ पे क्या होगा फैट्स जो होंगे वो हमारे स्टोर होंगे कहाँ पे एडिपोज टिशू में एक्स्ट्रा फैट्स नेक्स्ट वन इज़ द फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू सेकेंड जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है और वहाँ पे क्या रहता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स होते हैं कॉम्पैक्टली मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं और लूज में क्या होता है लूजली अरेंज होते हैं ये दोनों उसके बाद क्या होता है द ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स शो अ रेगुलर आर इरेगुलर पैटर्न एंड और कार्ड डेंस रेगुल डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू अगर वहाँ पे रेगुलर पैटर्न होगा फाइबर्स का तो उसको हम बोलेंगे डेंस रेगुलर पैटर्न अगर हम वहाँ पे इरेगुलर पैटर्न होगा तो उसको हम बोलेंगे डेंस इरेगुलर टिश्यूज डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है जो कोलेजन फ़ाइबर्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है रोज में एंड बिटवीन मैनी पार्लर ऑफ द फाइबर्स और टेंडन्स विच अटैच स्केल्टल मसल्स टू द बोन एंड लिगामेंट्स विच अटैच वन बोन टू अनदर यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये एग्जाम में बड़ी बारी आती भी हैं टेंडन्स एंड द लिगामेंट्स ठीक है एक मिनट टैंड एंड द लिगामेंट्स ट्स वो होते हैं जो स्केल्टन मसल्स को बोन के साथ जोड़ते हैं और लिगामेंट्स वो होते हैं जो बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं और ये दोनों क्या होते हैं ये भी टिश्यू होते हैं नेक्स्ट इज़ द डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें क्या होता है फाइब्रोब्लास्ट होंगे एंड मैनी फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली मतलब वहाँ पे फाइबर्स होंगे वो इर्रेगुलरली जो है वो प्रेजेंट होंगे ठीक है एंड दिस टिशू इज प्रजेंट इन द स्किन हमने याद रखना है कि कौन सा टिश्यू जो है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है उसके बाद आ गया हमारा कार्टिलेज कार्टिलेज बोन एंड ब्लड आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो जो है हमारा डेंस कनेक्टिव टिशू उसमें आ गया फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो हमारे रेगुलरली और रेगुलरली कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे ठीक है जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पे सेल्स और फाइबर्स से जो होंगे वो लूजली अरेंज होंगे और वहाँ पे दो टाइप्स के टिश्यू आते हैं एरियोलर और टिश एडिपोज तो नेक्स्ट जो थर्ड वन आता है हमारा वो आता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू उसमें हमारा आता है कार्टिलेज ठीक है बोन्स एंड द ब्लड्स द इंट्रासेलुलर मटीरियल ऑफ द कार्टिलेज इज सॉलिड एंड प्लाइए एंड रेजिस्ट कंप्रेशन जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इसमें क्या होता है कि जो इसमें हम फर्स्ट देख रहे हैं कार्टिलेज कार्टिलेज क्या होती है वो सॉलिड रहती है ठीक है और कंप्रेस नहीं हो पाती वो कार्टिलेज हमारी एग्जांपल लेते हैं नाक की बोन ठीक है नाक की बोन, बोन नहीं बोलते इसको इसको बोलते हैं कार्टिलेज ठीक है और इसको ये जो है वो सॉलिड तो होती है लेकिन ये टूट भी सकती है ठीक है द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट्स एंड आर एनक्लोज इन द स्मॉल कैविटीज विद इन द सेक्रेटेड बाय द सेक्रेटेड बाय दैम मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द वर्टिब्रेट्स एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप्पा बोन जैसे मैंने आपको बताया कि ये नोज पे भी होती है आउटर ईयर जंक्शन जहाँ पे जैसे हम कान जो है वो सिलवाते हैं तो वो जो जंक्शन जो है वो हमारा क्या हो गया कार्टिलेज हो गया ठीक है और जो वर्टिव्रल कॉलम जो है उसके बीच में भी कार्टिलेजेस होते हैं जो लिम्स होते हैं हमारे उसके बीच में भी कार्टिलेज़ होती हैं ठीक है और जो हमारे हैंड्स होते हैं हैंड्स को देखेंगे तो यहाँ पर जो फैरिंग फैलेंजिस जो हैं ये एक दूसरे के साथ जॉइंट कैसे रहती हैं ये भी कार्टिलेज़ के साथ जॉइंट रहती हैं नेक्स्ट आ गया हमारे पास बोन बोन भी एक स्पेशलाइज्ड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है तो बोन जो है ये भी हार्ड है नॉन प्लाइएबल ग्राउंड सब्सटेंस है और बोन्स में सबसे ज्यादा क्या होता है कैल्शियम होता है ठीक है और कॉलेजन फाइबर्स होते हैं ठीक है विच गिव्स द विच गिव्स बोन इट्स स्ट्रेंथ जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है ना तो उसके कॉलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं और उसकी जो लिम्स जो होते हैं ना उसके बीच में फ्लैक्सीबिलिटी भी कम हो जाती है तो तभी बोलते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं उनके घुटनों में दर्द होना स्टार्ट हो जाती है तो ये सिर्फ जो है कॉलेजन फाइबर की वजह से होता है इट इज़ द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी एंड द बोन्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू एंड द ऑर्गन हमें सब सभी को पता है कि ये हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर जो है बोन्स जो है वो एक स्केल न, स्पोर्ट प्रोवाइड करती है और एक ढांचा जो जो है एक शेप प्रोवाइड कर रही है कि ये हमारा स्केल्टन सिस्टम है अगर हमारे बोन्स नहीं होंगी तो हम क्या होंगे उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होगा ठीक है उसके बाद आता है कि द बोन्स बोन सेल्स बोन सेल्स जो होते हैं उसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स यहाँ पे हमने यहाँ पे भी देखा था कि जो सेल्स ऑफ कार्टिलेज होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइड्स इसको याद रखना है द बोन सेल्स ऑफ द बोन्स आर कॉल्ड एज द ऑस्टियोसाइट्स एंड आर प्रेजेंट इन द स्पेस काल्ड द लेकुना यहाँ जो ये यह बोन सेल्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं ना उनको बोलते हैं लेकुना उस स्पेस को एंड द लिम बोन्स द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शन ठीक है यहाँ भी क्या होता है वेट बियरिंग के हम काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो उठा सकते हैं दे ऑल्सो इंट्रैक्ट विद द स्कैल्टल मसल अटैच टू दैम टू ब्रिंक अप आउट द मोमेंट एंड द बोन मैरोज ऑल्सो सम बोन्स इन द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड सेल्स बोन मैरो होती है वो भी बोन uh, सेल्स की जो साइट होगी वहाँ पे प्रजेंट होगी बोन मैरो जो है वो एक साइट है जहाँ पे ब्लड सेल्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ठीक है उसके बाद आता है ब्लड ब्लड जो है वो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है कंटेनिंग उसमें क्या होता है प्लाज्मा होता है आर होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं और डब्ल्यू होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं एंड इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेरियस सब्सटांसिस जैसे कि ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी कैसे हो रही है थ्रू द ब्लड सो थर्ड टाइप ऑफ़ टिश्यू आता है हमारे पास मसल टिश्यू मसल टिश्यू जो है वो कहाँ पे होगा मसल्स में प्रेजेंट होगा और मसल टिश्यू जो है वो यहाँ पे इसके फंक्शंस देखते हैं हम क्या होते हैं ठीक है ईज मसल्स इज मेड ऑफ मैनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर अरेंज इन द दार्लर एरे एंड द दीज फाइबर्स आर कंपोज ऑफ द न्यूमरल फाइन फाइब्रिल्स और उनको हम बोलते हैं माइक्रो फाइब्रिल्स एंड मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलेशन एंड देन रिलैक्स and return to their uncontracted stage in the coordination fa fashion and their action moves the body to adjust to the change in the environment and to maintain the

हेल्प करती हैं मूव करने के लिए तो मसल्स जो होते हैं वो हमारे तीन टाइप के मसल्स होते हैं स्कैल्टल मसल्स स्मूथ मसल्स एंड द कार्डिक मसल्स जो स्कैल्टर मसल्स जो होते हैं वो कहाँ पे हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड रहते हैं ठीक है जैसे हमारे बाइसेप्स हो गए ठीक है स्कैल्टन बाइसेप्स में क्या होता है स्ट्राइटेड स्ट्रिप्ट स्कैल्टन मसल फाइबर्स होते हैं और जो कि बंडल्ड टुगेदर इन पार्लर फैशन ठीक है द शीथ ऑफ द टफ कनेक्टिव टिशू एनक्लोज सेवरल वंडल ऑफ द मस्कुलर टिशू एक कनेक्टिव टिशू की एक लेयर जो है वो हमारे मसल फाइबर को भी कवर करती है सो so, ये हमारे पास जो हैं वो इसकी कुछ डायग्राम्स जो हैं वो स्केल्ट्रल मसल्स जो हैं वो कुछ इस तरह के रहते हैं सेकंड जो है बी पार्ट में जो दिखा रहा है वो हमारे स्मूथ मसल्स टिश्यू हैं और थर्ड जो है वो हमारे कार्डिक मसल टिश्यू हैं तो स्मूथ मसल टिश्यू कौन से होते हैं द फाइबर टेपर एट बोथ एंड्स एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशन द सेल जंक्शन होल्ड दैम टूगैदर एंड दे आर बंडल्ड टूगैदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड ब्लड वेसल्स स्टमक इंटस्टाइंस कंटेन जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्टमक होती हैं और इंटस्टाइंस होती हैं वहाँ पे ये जो स्मूथ मसल्स जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं and the smooth muscles are involuntarily as their functioning can can't be directly controlled smooth muscles जो होते हैं वो involuntary काम करते हैं कि means involuntary हमारे दो types के actions होते हैं volunteer actions and the non involuntary volunteer जो जिनको हम control कर सकते हैं और involuntary हो गए जिनको हम control नहीं कर सकते ठीक है तो smooth muscles वहाँ present होते हैं involuntary actions के साथ deal करते हैं means सो नेक्स्ट आ गया हमारे पास कार्डिक मसल टिश्यू कार्डिक मसल टिश्यू जो है वो हमारा कार्डिक कार्डिक सिस्टम जो है वो क्या आएगा हमारा हार्ट से रिलेटेड तो ये कार्डिक मसल टिश्यू जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होगा ठीक है तो सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मैमब्रेन ऑफ द कार्डिक मसल सेल्स एंड मेक दम स्टिक टूगैदर ठीक है द कम्युनिकेशन जंक्शंस एट सम फ्यूजन पॉइंट अलो द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट दैट इज़ वन सेल्स रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स नेवर्स आर आल्सो स्टिम्युलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जो कार्डिक सेल्स जो होते हैं ये आपस में जुड़े रहते हैं कार्डिक सेल्स जो होते हैं अकार्डिक मसल्स जो होंगे ये आपस में जुड़े रहेंगे अगर एक सेल्स जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करता है या रिसीव करता है तो दूसरे सेल्स को भी पता चलता है क्योंकि इनके बीच में जो है वो जंक्शंस होते हैं हमने अभी अभी डिस्कस किए थे जंक्शन थ्री टाइप्स के सो so, नेक्स्ट हमारा टिश्यू आता है न्यूरल टिश्यू न्यूरल टिश्यू मतलब हमारे नर्वस सिस्टम मीन्स हमारे न्यूरोन में प्रेजेंट रहेगा ठीक है न्यूर तो हमें पता ही है कि ये हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारा नर्वस सिस्टम का तो न्यूरल टिश्यू जो है वो न्यूरॉन में प्रेजेंट होंगे तो न्यूरॉन में टिश्यू जो है वो जैसे न्यूरॉन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एग्जॉन रहता है डेंड्राइड्स रहता है सेल बॉडी रहती है तो जब बड़े सारे न्यूरॉन सेल्स जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं तो वो न्यूरल टिश्यू बना देते हैं तो उनका फंक्शन क्या होता है टू प्रोटेक्ट एंड द स्पोर्ट तो न्यूरोजलिया यहाँ पे इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे हमें सिर्फ यही देखना है कि न्यूरल टिश्यू जो है वो क्या होगा और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है ठीक है और उसका फंक्शंस देखना है हमने ठीक है तो यहाँ पे है कि अराइवल ऑफ़ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरो एंडिंग और आउटपुट्स जोन ट्रिगर इवेंट दैट मे द स्टिमुलेशन और द इनहिबिशन ऑफ़ द एडजस्ट न्यूरो एंड द अदर सेल सो हमने आज हमने डिस्कस किया फोर टाइप्स के टिशू पड़े हमने न्यूरल टिशू कनेक्टिव टिशू एपथिलियल टिशू एंड द मस्कुलर टिशू सो आज की वीडियो में इतना ही था नेक्स्ट हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर